वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी शानदार रहने वाला है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। डिटेल में हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में स्टार्टिंग करेंगे क्विज के साथ में, फिर वीडियो के एंड में भी एक क्विज होगा। देखिए, कोई भी काम अगर आप लोग करते हैं ना, उसका बाद में अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो आप लोगों को लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है। तो इसी तरीके से ये वीडियो जब आप लोग सुनोगे ना, वीडियो के एंड में जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाते हो तो आप लोगों को दिल से खुशी होगी, आप लोगों का मोटिवेशन भी निकल कर आएगा कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिला और हम लोगों ने सीखा और क्वेश्चन के आंसर भी दिए। तो इसीलिए वीडियो को टकटकी लगाकर सुनना, ताकि वीडियो के एंड में आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर सके। तो यही इसका बेसिक पर्पज रहता है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी, एक तरीके से रिवीजन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। कल का पढ़ावा कितना याद है इससे यह भी पता चल जाएगा। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों से पूछा गया था, जो कि 1983 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि आईएएस हैं, जो कि उड़ीसा कैडर के पर्सनैलिटी हैं। ये फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किए गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के, जिसको IFSCA बोलते हैं। तो इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था। आर्टिकल बताना आप लोगों कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है हमारे संविधान के अंदर में कि जैसे मान लीजिए किसी असेंबली के बारे में बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल सीट है उसकी कितनी प्रतिशत सीट जो होनी चाहिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे ज्यादा एक्सीडेंट ही करना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो फिर ये संविधान का उल्लंघन है। और ये चीजें कहां पर देखने को मिली अभी हमारी कंट्री में, ये चीजें मध्य प्रदेश में देखने को मिली। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा, अभी सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है कि जो केस चल रहा था, जो दो इटालियन जो मैरिन थे, यानी कि जो उनके जो नेवल ऑफिसर थे इटली के, जिनके खिलाफ अभी यहां पर केस चला था, यहां पर कहां पर पीसीए के अंदर में, तो बोला जा रहा है कि उस केस को बंद कर दिया जाए, जिसको यहां पर ये एंड्रिका लेक्सी के नाम से जाना गया। बेसिकली क्यों बोला गया बंद करने के लिए, क्योंकि अब यहां पर हम लोग पीसीए का जजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पीसीए की फुल फॉर्म क्या है जिसका जजमेंट एक्सेप्ट किया गया है, और ये जो बोला गया यहां पर एंड्रिका लेक्सी, यहां पर ये एक जहाज का नाम था, ये टैंकर बोल सकते हैं, ऑयल टैंकर जिसको लेकर यहां पर ये जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको IRCTC के से भी आप लोग जानते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि एक ट्रेन स्टार्ट की गई थी, एक ऑपरेशन था यहां पर ये, जिसमें आप लोगों को ये बताना है कि ये बेसिकली कहां से कहां तक चलाया गया था, दिल्ली से लेके कहां तक का और मुंबई से लेके कहां तक का, दो ट्रेन नई स्टार्ट की गई थी। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में यहां पर इनको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट था, जिसके चलते अभी आगे और प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है रेलवे सर्विस को हमारी कंट्री में। नेक्स्ट यहां पर इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है हमारी कंट्री में, जो कि रिसेंटली अभी पब्लिश की गई है। इसी के साथ में आप लोगों को यह बताना है सबसे ज्यादा जो किस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में है, डॉलर में है, रूपी में है, येन में है, या फिर कौन सी ऐसी करेंसी है SDR में है जो कि IMF की करेंसी है, यह सबसे ज्यादा आप लोगों को यह बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में बात करें तो ये स्टैट्यूटरी है यहां पर बॉडी है, जो कि किसके कंट्रोल में आती है, इनके कौन यहां पर इसका चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो मैंने आप लोगों से एनवायरमेंट मिनिस्टर के बारे में पूछा था, तो कौन है एनवायरमेंट मिनिस्टर आप लोग इनका नाम बताइएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी। हमारी कंट्री में जितने भी जू हैं, यानी कि चिड़ियाघर हैं एक तरीके से, उनको ये रेगुलेट करने का काम करती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने अच्छे से देखेगा और फिर स्कोर जरूर लिखेगा, जैसा भी आप लोगों का स्कोर रहता है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, ये हैं इंद्रजीत श्रीनिवास, इनका नाम याद रखेगा, फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये है 164 आर्टिकल यहां पर बात करता है कि हमारी कंट्री में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि एक तरीके से जिसको COM के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, जैसे मान लीजिए असेंबली की कोई स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो उसका 15% यहां पर यह होना चाहिए, 15% से ज्यादा यहां पर यह नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली बात बोली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि यहां पर कितना प्रतिशत होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड होगा तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। तो हमारी कंट्री में भी आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, 15% की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यहां पर बोला गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको पीसीए आप लोग बोलते हैं, तो पीसीए में केस चल रहा था, तो जब केस का यहां पर रिजल्ट आया, ये बोला गया कि हमारी कंट्री में उन जो फिशरमैन
जो फिशरमैन की जो जान गई है, तो इटली के जो ऑफिसर है उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, पर लेकिन यहां पर कंपनसेशन इटली के द्वारा दिया जाएगा। तो कंपनसेशन मिलेगा ओनली, इसके चलते केस नहीं चलेगा, केस जो है वो इटली के अंदर ही चलेगा। तो इसके चलते ये रिसेंटली काफी न्यूज में था। जो तेजस ट्रेन हमारी कंट्री में चलाई गई जिसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट थी, तो दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के लिए यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। आगे चलकर और भी ज्यादा ऐसी चीजें यहां पर करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, वो एक्सटर्नल डेट यानी कि उधारी कितनी ले रखी है बाहर की कंट्री से हमने, उसके बारे में बताता है। तो 2020 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा यहां पर ये चीजें प्रस्तुत की गई हैं। नेक्स्ट सेंट्रल जो अथॉरिटी के बारे में बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर यहां पर इसको चेयर करते हैं। हमारी कंट्री में जो अथॉरिटी थी ये जो बेसिकली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी तो 1985 में क्रिएट की गई थी। आज के डेट में मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर साहब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसके बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल जाते हैं तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे किसके अंडर में है, ये नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इसके द्वारा यहां पर कॉन्सेप्ट किया गया कि अगर देखिए किसी की एक्सीडेंट होता है, किसी पर्टिकुलर अगर रोड एक्सीडेंट में यहां पर किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई चोट आती है तो उसको यहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। कैशलेस ट्रीटमेंट यानी कि पहले आप लोग उसका इलाज कीजिए, जो पैसा है उसको बाद में देखते रहेंगे यहां पर। तो ये बेसिकली किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का जो आया है उसके तहत यहां पर ये काम किया जा रहा है। ये यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, उस टाइम पर बहुत सारा मजाक उड़ाया गया हमारी कंट्री में कि अगर सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, पहले आप लोगों को 100 रुपए देने होते थे, अब आप लोगों को 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप लोग एक तरीके से तेज गाड़ी चलाते हैं, स्पीड से ज्यादा निकलते हैं आप लोग, तो पहले 500 रुपए देने पड़ते थे, अब आप लोगों को यहां पर 5000 देने पड़ते हैं। इसी तरीके से शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2000 रुपए देने पड़ते थे, आज की डेट में आप लोगों को 10000 रुपए देने पड़ते हैं। ये सारी चीजें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए थे, अब 5000 हो गए यहां पर, ठीक है। दुपहिए वाहन पर भी कुछ चीजें की गई कि दुपहिया वाहन पर अगर दो से ज्यादा आप लोग बैठाते हैं तो यहां पर भी 2000 रुपए का यहां पर बेसिकली जुर्माना लगाया गया। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, पहले यहां पर इसके ऊपर कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर जुर्माना नहीं था, पर लेकिन अब 10000 रुपए जुर्माना लगा दिया क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई और काफी सारी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। सबसे अच्छी बात यहां पर देखने को यह मिली, अगर कोई नाबालिग है यानी कि 18 साल से नीचे का अगर बच्चा है, अगर उसको आप लोग यहां पर गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो यहां पर डायरेक्ट पेरेंट्स के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और यहां पर जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है पेरेंट्स को। तो ये भी कंडीशन यहां पर निकल कर आई। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह भी बोला गया, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और आप लोग उसकी हेल्प करते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो पुलिस वगैरह कोई भी आपसे कोई पूछताछ नहीं करेंगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के यहां पर इसके ऊपर गाइडलाइन भी है, यानी कि पर्टिकुलर इंसान को बचाने के चक्कर में कई बार क्या होता था, उन लोगों की जिंदगी एक तरीके से परेशानी में आ जाती थी, पुलिस जो है उनके पीछे घूम रही है, एक तरीके से उनको परेशान कर रही है, तो वो सारी चीजें भी रोकने की यहां पर बात की गई, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो अभी बात की जा रही है कि अगर कोई यहां पर एक्सीडेंट किसी का होता है तो कैशलेस उसका यहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। इसी के चलते हमारी कंट्री में जो स्टेट है 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है उनका नाम आप लोग लिखेगा कमेंट बॉक्स में। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में ये इनसे पूछा गया कि अपने व्यू शेयर करो इसके बारे में कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली जो स्कीम है वो कंपलसरी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगी ऑल रोड यूजर इन कंट्री, यानी कि अगर आप लोग रोड पर जाते हैं, चाहे आप लोग बाइक पर जाते हैं, स्कूटी पर जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो आप लोगों के पास में एक तरीके से इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं, आप लोग अच्छे से गाड़ी चलाएंगे पर इसकी कोई गारंटी नहीं है सामने वाला अच्छे से चलाएगा, तो वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके निकल जाए, तो इसलिए अपना इंश्योरेंस हमेशा रखिए, कई बार कई ज्यादा बहुत बड़ी चोट आ जाती है। तो इसके चलते यहां पर एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाने की बात की जा रही है। ये जो फंड होगा बेसिकली यहां पर ये यूज किया जाएगा इन पर्टिकुलर जो ऐसी कैजुअलिटी होती है उनको टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो याद रखेगा। अभी जो फंड है यहां पर ये यूटिलाइज करने की बात की जा रही है रोड में जो एक्सीडेंट होगा उनके ट्रीटमेंट के लिए और कंपनसेशन पेमेंट करने के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर यहां पर एक तरीके से एक्सीडेंट होता है और उसकी कोई गलती भी नहीं है तो कंपनसेशन दिया जाएगा, ट्रीटमेंट कराया जाएगा ताकि लॉस ऑफ लाइफ जो है उसको यहां पर रोका जा सके। हिट एंड रन के केस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, उनको भी यहां पर कंट्रोल किया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता दूं, जब भी एक्सीडेंट कोई होता है तो स्टार्टिंग का जो एक घंटा होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर उस एक घंटे में उस पर्टिकुलर इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच जाती है, तो गोल्डन आर के नाम से उसको जाना जाता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको NHAI आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर प्रधानमंत्री
जेएन के प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना, तो इसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर की भी बात की जा रही है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली चीजें लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 में। तो इसके बारे में याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर इसको आगे लेकर चला गया था। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, NHAI बोलते हैं इसको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में एक बॉडी बनाई गई थी 1988 में, ताकि हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवे है उनको ढंग से मेंटेन रखा जा सके, जो भी नेशनल हाईवे का नेटवर्क है। किसी कंट्री में अगर रोड वगैरह हम लोग ढंग से डेवलप कर पाते हैं, तो ये समझिए उस कंट्री में उससे बेटर कोई चीज नहीं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें, तो यहां पर इसको बेसिकली एक अथॉरिटी के तौर पर यहां पर लाया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। तो यहां पर जो बात की गई 1988 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नोडल एजेंसी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो थे, तो यहां पर बेसिकली ये इसको टैकल करने वाली बॉडी है। जो यहां पर योगेंद्र, जो यहां पर नारायण जो थे, यहां पर ये इसके पहले चेयरमैन थे 1988 में, ठीक है। अगर बात करें हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मोटो एंड नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि रोड नहीं पूरा नेशन बना रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर से साउथ इंडिया में कुछ सामान बेचना है, ठीक है, तो रोड के थ्रू यहां पर वो जाएगा। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि नेशन बना रहे हैं, ना कि ओनली रोड बना रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, इंडियन स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो के साथ में किया गया, ताकि जो हाईवे है उनको मैप किया जा सके। इससे क्या होगा, कई सारी चीजों का फायदा पता लगाया जा सकेगा, हाईवे के ऊपर कैजुअलिटी को भी कम किया जा सकता है, कई सारे अलर्ट लगाए जा सकते हैं जो यहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात आप लोग बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, यहां बात की जा रही है स्पोर्ट मिनिस्ट्री के सहारे से। स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है आजकल में हमारी कंट्री में, ये है किरण रिजिजू साहब, ठीक है। तो किरण रिजिजू साहब के द्वारा बोला गया कि अनाउंस किया गया कि फॉरेन और जो इंडियन कोच है हमारी कंट्री में जो ट्रेन करते हैं इंडियन एथलीट को, उनका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए कम से कम, यानी कि 4 साल मिनिमम टाइम ड्यूरेशन उनका रखना है। रीजन क्या है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए किसी एथलीट ने किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी को 2020 में तैयार करना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने उसको 2024 तक तैयार किया, तो ओलंपिक आएगा, ओलंपिक गेम आएंगे, 4-4 साल की जो साइकिल होती है, कई सारे गेम ऐसे होते हैं, तो वहां पे पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर जो कोच है उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, और वहां पर जो खिलाड़ी हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, तो उसका रिजल्ट जो है वहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, अगर कोई कोच आता है बीच में उसको हटा देते हैं, फिर दूसरा आता है वो समझ नहीं पाता है, तब तक फिर नया कोच आता है, तो सब तो यहां पर शाहरुख खान है नहीं चक दे इंडिया के, जरा सी देर में बच्चों को समझ लेंगे और ढंग से उनको लेकर चलेंगे, तो वो चीजें यहां पर समझने वाली हो जाती है काफी लार्ज स्केल पर। तो बोला गया कि मिनिमम 4 साल उनका टेन्योर रखा जाएगा, ताकि जो कोच जो है हमारी कंट्री में जो एथलीट है उनको ढंग से ट्रेन कर सके। तो के चलते कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 4 साल का मिनिमम, उसके बाद में आगे देखेंगे परफॉर्मेंस के बेस पर कि क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो ये जो रहेगा बेसिकली नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन यहां पर ये काम करने वाली है, 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसको एनुअली रिव्यू भी किया जाएगा कि किस तरीके से यहां पर चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एक तरीके से उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे और ढंग से रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, फिर भी कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा दंगल मूवी, ठीक है, तो दंगल मूवी में उसका कोच कितना हरामी पीस था, तो वो वाली कंडीशन भी नहीं है। तो रिव्यू भी किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, ठीक है, और यहां पर खेल के जो गेम जो प्लेयर है उनकी भी परफॉर्मेंस यहां पर देखी जाएगी, ताकि मेजर इंटरनेशनल इवेंट के लिए उनको तैयार किया जा सके। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंट जो चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कोच यहां पर उनकी परफॉर्मेंस सामने निकल कर आएगी। इसी के साथ में अगर बात करते हैं, तो यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर जो एथलीट है इंडिया में, तो एक तरीके से ऑल मेजर इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है उनके लिए तैयार किया जाएगा। फिलहाल जो टारगेट है यहां पर 2024 के जो ओलंपिक होने वाला है, 2028 के जो ओलंपिक होने वाले हैं उनके ऊपर पूरा फोकस है, उनके ऊपर पूरा फोकस है, क्योंकि 2020 के जो ओलंपिक हैं उसके बारे में तो अभी कोई आइडिया ही नहीं है कि आगे कब तक होंगे और क्या कंडीशन है कोविड-19 के चलते। अच्छा, 2020 के जो ओलंपिक होने वाले थे वो कहां पर होने वाले थे, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाई थी पूरी, तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से फ्रीक्वेंटली बड़ी ही एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड, यानी कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, उसके चलते जो हमारी कंट्री में माई गव कोरोना हेल्प डेस्क जो बनाई गई थी यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, उसको 2 ग्लोबल अवार्ड अभी दिए गए हैं। तो ग्लोबल लीडरशिप समिट के तहत यहां पर इसको, एक तो है ग्लोबल लीडरशिप समिट और इसी के साथ में एक है फेस्टिवल, यहां पर ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर यह अवार्ड देखने को मिले कहां पर, कोगेक्स 2020 में। कोगेक्स 2020 क्या है, यहां पर एक प्रेस्टीजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट होती है, ये फेस्टिवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एनुअली लंदन में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोगेक्स के चलते यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनको यहां पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, जब एक मशीन जो है वो इंसानों के तरीके से काम करने लगे, उसको आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, यानी कि जब मशीन इंसानों को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दें। तो मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए ये एक मोटा मोटा सा उदाहरण आप लोग ले सकते हैं।
सकते हैं। माई गव जो है यानी कि माई गवर्नमेंट जो कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट सिटीजन इंगेजमेंट का प्लेटफॉर्म इसको बोला गया है, यानी कि टू वे फैसिलिटी है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिटीजन के लिए फैसिलिटी है, गवर्नमेंट एंड सिटीजन जो फैसिलिटी पार्टिसिपेट करते हैं दोनों साइड से गुड गवर्नेंस प्रोवाइड कराने के लिए। कोविड 19 से लड़ने के लिए माई गव, यहां पर इसके साथ में बात करें तो जियो हैप्टिक, इसी के ही जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और व्हाट्सएप, इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये एक पर्टिकुलर ये तैयार किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड जो कोरोना हेल्प डेस्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कोरोना हेल्प डेस्क है, यहां पर ये दो अवार्ड यहां पर दिए गए, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड 19 सोसाइटी के लिए और दूसरा पीपल्स चॉइस कोविड 19 ओवरऑल विनर, तो ये दो अवार्ड यहां पर इसको दिए गए। तो दोनों अवार्ड के नाम याद रखिएगा, कोगेक्स क्या है, कहां पर होता है ये याद रखिएगा, और किसको ये अवार्ड दिए गए, तो यहां पर माई गव कोरोना हेल्प डेस्क को दिए गए। कौन कौन से है, पहला तो है यहां पर जो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड 19 सोसाइटी एंड दूसरा यहां पर पीपल्स चॉइस कोविड 19 ओवरऑल विनर, ठीक है। तो ये है यहां पर इंपॉर्टेंट टू अवार्ड जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर आप लोगों के सामने ये न्यूज है, ये हिमालयन रीजन से निकल कर आ रही है। अगर हिमालयन रीजन आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये बेसिकली हिमालयन रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो हमारी कंट्री का भी ये पोर्शन जो है वो हिमालयन रीजन में आता है, तो यहां पर पर्टिकुलर ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे थार डेजर्ट हो गया, अरावली हो गया, विंध्याज हो गया, सतपुरा हो गया, ठीक है, ये यहां पर छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। तो जब भी कोई मैप आप लोग देखा करें, देखा कीजिए, वेस्टर्न घाट इसको बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं, ये ईस्टर्न घाट हो गया, इसमें कितने राज्य आते हैं, ये कई बार बता चुका हूं, चलिए क्वेश्चन हो जाएंगे इनके बारे में भी आप लोग बताइएगा। और यहां पर हो गया रण ऑफ कच्छ, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया जो होता है रण ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इधर सुंदरबन डेल्टा, आप लोगों ने सुना होगा, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, नीलगिरी हो गया, और यहां पर ये हो गया कार्डोमन हिल, ठीक है। तो ये पूरा एक हल्का हल्का सा आप लोगों का आइडिया हो गया। गारो खासी जैंता ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी पर्टिकुलर रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में। तो अभी हिमालयन रीजन के बारे में बात की जा रही है, तो समझ लेते हैं क्या बात की जा रही है। बेसिकली ये बोला गया कि हिमालयन जो बटरफ्लाई है जिसका नाम रखा गया है यहां पर गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है, तो ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई के यहां पर रिकॉर्ड में आ गई है। यहां पर अगर लास्ट का अगर रिकॉर्ड देखोगे यहां पर लास्ट 88 ईयर के अंदर में इसकी जो विंग स्पैन है यहां पर ये बोला जा रहा है इसका 194 है। नॉर्मली जो फीमेल का विंग स्पैन जो है वो मेल से ज्यादा देखने को मिलता है, मेल का यहां पर 106 मिलीमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका 194 मिलीमीटर है, जो कि बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। फीमेल गोल्डन जो यहां पर बर्ड विंग है ये यहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं, कहां पर, दीदी हाट, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर में। तो उत्तराखंड में जो हिमालयन वाला रीजन है यहां पर ये बेसिकली इसको रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ में यहां पर ये यहां पर वानखेड़ बटरफ्लाई म्यूजियम इन शिलोंग, ठीक है, तो वहां पर लार्जेस्ट फीमेल भी आप लोगों को देखने को मिली। तो यहां पर ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो कई बार नाम वगैरह छोटे छोटे पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, छोटा मोटा क्वेश्चन कई बार बन जाता है जो कि रिसेंटली न्यूज में होता है, ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री फॉर एनिमल एंड हस्बेंड्री है उसके द्वारा यहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो पहले तो क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है कि ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहां पर प्रोग्राम का नाम क्या है ये पहले आप लोग समझिए। जो प्रोग्राम का नाम है यह मत्स्य संपदा, ठीक है, मत्स्य यानी कि मछली पालन के बारे में बात की जा रही है। संपदा मतलब एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं जो प्रॉपर्टी होती है, तो मछली पालन भी एक तरीके का संपदा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, देखिए इनडायरेक्ट वे में कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में और मत्स्य संपदा के बारे में बात की जा रही है, तो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यहां पर वो कौन सा इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। तो ये मैं आप लोगों को कितनी बार दिखा चुका हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से जो 14वां गोल है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है कि लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मत्स्य संपदा के बारे में बात की जा रही है, तो इनडायरेक्ट वे में ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएंगे घुमा फिराकर, आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो क्या किया गया यहां पर, ये अभी बात की जा रही है यहां पर एक्वा कल्चर के बारे में, यानी कि फिशरी पालन के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो न्यूज लेटर स्टार्ट किया गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी मत्स्य संपदा के बारे में। बेसिक एम क्या है, बेसिक एम ये है कि आज के डेट में आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है किसानों की कितनी ज्यादा होती है, तो उसको कम किया जाए, उनके साथ में उनके पास में ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। बहुत सारे किसान आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि गाय भैंस का दूध निकालकर बेचते हैं, इसी के साथ में कई सारे और भी इसी के मिलते जुलते व्यापार करते हैं। कोई कई सारे किसान खेत में फूल लगा लेते हैं, सब्जी का एक तरीके से सब्जी अपने खेतों में लगाते हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव माना जाता है जो मेन एग्रीकल्चर है उसका, ठीक है, ताकि उनके पास में ऑल्टरनेटिव रहे। डेयरी प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मछली पालन के साथ साथ में मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट आप लोग बोलिए दूध बेचना स्टार्ट कर दिया, तो ये सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। तो कई सारे पॉइंट अगर आंसर भी लिखने के लिए आता है कोई छोटा सा आप लोगों के लिए, तो यहां से आप लोग एक छोटा सा आंसर भी इसके ऊपर लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जब किसान के बारे में बात करते हैं। तो मत्स्य संपदा का एम यही है कि जो स्टेक होल्डर है स्पेशली जो फिशरमैन है और जो फिश फार्मर है उन तक ये चीजें पहुंचाई जा सके, इसके बारे में कम्युनिकेट किया जा सके और इंफॉर्मेशन और
लोगों को एजुकेट किया जा सके, यानी कि उनको अवेयरनेस कराया जा सके कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। आप लोगों को अगर पता होगा पर्टिकुलर क्या एक डेवलपमेंट यहां पर चल रहा है, तो ही आप लोग अपना एक प्लान बना पाएंगे कि हाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना है, यहां से क्या आउटपुट निकल कर आएगा। तो तभी तो चीज हो गई, थोड़ा ना कि किसी ने बोला एकदम आग बंद करके उसमें कूद गए, नहीं, वो यहां पर आप लोगों को यहां पर नुकसान एक तरीके से झेलना पड़ सकता है। तो पहले एक पूरा अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए कुछ भी काम करने से पहले, तभी उसमें एंट्री करनी चाहिए। तो एक तरीके अवेयरनेस भी यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है क्वार्टरली, यहां पर ये पब्लिश किया जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर जो देखने को मिलेगा 2021 में इसका स्टार्ट किया जाना है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसी के चलते कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर ये बात की जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये किसके द्वारा यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में ये स्कीम देखने को मिलती है, तो ये हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री, ये कौन है मिनिस्टर, यहां पर मिनिस्टर कौन है आज के डेट में, इसके मिनिस्टर गिरिराज सिंह। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि कई सारे मिनिस्टर के नाम आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूं ताकि आप लोग याद हो जाए, पर फिर भी अगर किसी के नहीं बताता हूं तो आप लोग खुद भी कमेंट बॉक्स में उनको लिखा कीजिए, या फिर किसी का पूछता हूं जब कई बार बता देता हूं तो फिर मैं पूछता हूं तो उनका आंसर दिया कीजिए, इससे क्या होगा आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। देखिए क्या होता है, जब आप लोग किसी चीज को टाइप करते हैं ना या फिर कॉपी पर लिखते हैं तो आप लोग के कई सारे सेंस काम करते हैं, आप लोग का दिमाग काम करता है, सोचना पड़ता है मिनिस्टर के बारे में, फिर आप लोग उसको लिखते हो तो आप लोग की आंखें देख लेती हैं, हाथ चलते हैं तो ऊपर से आप लोग उसको, तो एक तरीके से कई सारे जब बॉडी के पार्ट एंगेज हो जाते हैं किसी भी चीज में तो वो चीज आप लोग लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो यही इसका बेसिक पर्पज यहां पर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में 2020 में यहां पर ये लॉन्च किया गया, यहां पर जो कि फ्लैगशिप स्कीम थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, सस्टेनेबल एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के लिए यहां पर इसमें काफी लार्ज स्केल पर इसमें 20,050 करोड़ रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए बन जाएगा, हालांकि कई बार बता चुका हूं, आप लोग बताइए हमारी कंट्री में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री के साथ में ओशन के साथ में टच करते हैं, ये आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि उन्हीं राज्य में देखिए होगा क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में आप लोगों को दे देंगे मछली पालन के बारे में, तो नॉर्मली आप लोग कोस्टल एरिया के राज्य देखने को मिलेंगे, उसने दे दिया यहां पर किसी राजस्थान के राज्य के बारे में, राजस्थान लिख दिया यहां पर। ठीक है, और ऑप्शन में बाकी बोल रखे कि 3-2 दिए जो हमारे कोस्टल एरिया के राज्य है, राजस्थान लिख दिया, तो ऑप्शन क्या होगा कि कौन सा यहां पर मत्स्य पालन वाले रीजन का पार्ट नहीं है, तो नॉर्मली राजस्थान आएगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग देखेंगे यार इसका तो पता ही नहीं था, तो कॉमन सेंस यूज कर पाएंगे इस तरीके से आप लोग, क्योंकि कोस्टल एरिया तो है नहीं राजस्थान, तो वहां पर थोड़ी इतना लार्ज स्केल पर मत्स्य पालन किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस इज नॉट एज मच कॉमन जितना यहां पर आज के में बोला जाता है। अगर एक बार को आप लोगों ने चीजें समझनी स्टार्ट कर दी ना, यूपीएससी में 30% को जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो अगर आप लोगों ने बस पढ़ा पढ़ाया चीजें, कभी उनके बारे में सुनी है थोड़ी बहुत चीजें और ज्यादा याद भी नहीं है, तो 30 क्वेश्चन के करीब तो आप लोग तो कॉमन सेंस से वहां पर उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। ये बेसिकली माइंड का एप्लीकेशन होता है एग्जाम में, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बारे में आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को पता है COVID-19 के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाई जा रही हैं, तो अलग अलग कंपनी यहां पर अलग अलग अपने लेवल पर काम कर रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, जब ये दवाई बनाई जाती है इनको अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है, तो अप्रूवल दिया जाता है यहां पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होती है हमारी कंट्री में, ये यहां पर बेसिकली काम करता है। क्वेश्चन ये बन जाएगा, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन एक ये भी बन जाएगा कि इससे रिलेटेड मिनिस्टर कौन है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा जब यहां पर COVID-19 के बारे में जब भी बात करते हैं या फिर कोई हेल्थ के बारे में कोई इशू आता है तो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कई बार आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा इसके बारे में बात करता हुआ, तो वो मिनिस्टर का नाम आप लोग बताइए, एच से उनका नाम बनता है। ठीक है, चलिए शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, HV। ठीक है, अब तो बता ही दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम बताइएगा जिसके जो कि इस पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री को टैगल करके चलता है। तो रेगुलेटरी जो हमारी कंट्री में यहां पर ये CDSO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है हमारी कंट्री में इंडियन फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस की, यानी कि जो भी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि दवाई वगैरह बनाती है, मेडिकल डिवाइस बनाती है, तो अप्रूवल यहां से निकल कर आता है। तो इसी के साथ में अप्रूवल की बात की जा रही है, ये यहां पर जुडेस कैडिला, ये एक तरीके की दवाई है जिसकी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए यहां पर आगे चल रही है, तो COVID-19 की वैक्सीन इसको यहां पर बोला जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी दवाई मार्केट में निकलकर आ रही है। ठीक है, तो जुडिसर वैक्सीन है जिसको यहां पर ZYCoV-D के नाम से भी आप लोग यहां पर जानते हैं। तो ये इंडिजिनियसली हमारी कंट्री की जो कंपनी है वैक्सीन डेवलपमेंट सेंटर अहमदाबाद के अंदर में इसको डेवलप किया जा रहा है। और मैंने आप लोगों को याद होगा 6 स्टेज बताई थी, पहली स्टेज में बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है, ये देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या काम किया जा सकता है। दूसरी स्टेज में देखने को मिलता है कि खरगोश हो गए या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि चूहे हो गए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तीसरी स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसको बोलते हैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्लिनिकल ट्रायल वहां पर देखने को मिलती है, 3 फेज में ह्यूमन के ऊपर यहां पर टेस्ट किया जाता है, पहले फेज में कम के ऊपर, दूसरे फेज में ज्यादा के ऊपर, तीसरे फेज में सबसे ज्यादा के ऊपर। तो फिर इसके बाद में चलकर उसको फिर डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो वो सारी टेस्टिंग वगैरह वो मैंने सारे 6 के 6 स्टेप आप लोगों को बताए थे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा 6 के 6 स्टेप, लंबे समय तक आप लोग इसको याद भी रख पाएंगे। देखिए जो भी
चीज आप लोगों को सोचने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है ना कि हाँ ये चीज यार समझ में नहीं क्या है, भूल गए हैं, तुरंत कॉपी पेन लीजिए, एक बार लिख लीजिए उसको, लंबे समय तक याद रख पाएंगे, लिखने से चीजें लंबे समय तक याद रह पाती है, ठीक है। सेकंड पोटेंशियल वैक्सीन इसको बोला जा रहा है आफ्टर भारती जो भारत बायोटेक के द्वारा बनती थी कोवैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये जो दवाई बनाई जा रही है जिसको ऑलरेडी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है, तो उसके बाद में सेकंड ये दवाई है हमारी कंट्री में। तो देखिए दवाई बनाने की होड़ ऑल ओवर वर्ल्ड में रुकी हुई है, तो देखते हैं कौन जल्दी दवाई बनाता है, जो भी सबसे पहले दवाई बनाकर लेकर आएगा एक अच्छे स्टैंडर्ड की, ये समझिएगा कि वो सबसे ज्यादा मालामाल कंट्री और कंपनी बन जाएगी, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। सोचिए हमारी कंट्री के अंदर ही कितने लार्ज स्केल पर केस आ चुके हैं, यूएसए तो बहुत लार्ज स्केल पर चल रहा है, आगे 1 करोड़ से ऊपर केस ऑल ओवर वर्ल्ड में आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अब तक टेस्ट नहीं किए गए हैं, तो इसे समझ सकते हैं कि कैसा व्यापार होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हर एक कंट्री होड़ में लगी है, पर लेकिन अब तो विश्वास भी उठने लगा है, पता नहीं कौन कौन कैसी कैसी दवाइयां लेकर आ रहा है, मैंने बना दी कोविड-19 की दवाई, तो जब प्रॉपर प्रोसीजर से होकर गुजरेगी, 6 ये बेसिकली जो स्टेज है इनसे होकर गुजरेगी, और नॉर्मली एक दवाई नई दवाई बनाने में ना नॉर्मली 3 से लेकर 10 साल तक का टाइम लग जाता है, पर लेकिन वो तब लगता है जब मजे मजे में कोई काम करते हैं, ठीक है। पर लेकिन जब यहां पर अड़कर कोई काम करते हैं कि हाँ भैया इसको तो जस्ट निपटाना है जल्दी से जल्दी, और पूरा वर्ल्ड इसमें लगा हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि लगभग 1 साल के करीब तो यहां पर लग ही जाना है। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर ढंग से चीजें प्रॉपर वे में हैंडल की जाएंगी तो लगभग जो दवाई बनेगी समझिएगा कि अक्टूबर नवंबर तक दवाई आएगी प्रॉपर वे में, अगर ढंग से चीजों को हैंडल करके चला जाए, 6 की 6 स्टेज को ढंग से लेकर चला जाए। अगर स्टेज एक बाईपास कर दी, वो नहीं होता कि सिटी में नहीं जाना है, बाईपास से निकल जाते हैं, क्या चलो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल एक कर लिया एक स्टेज का, बाकी की 2 स्टेज छोड़ दी, तो उससे आसान रहेंगी चीजें, पर लेकिन उस दवाई के इन्फेक्शन या फिर कोई और प्रॉब्लम आने के चांस रह सकते हैं क्योंकि सारी फेज से होकर नहीं गुजरा है, तो ये भी बातें सारी देखने वाली होती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, आज के डेट में जो भी आप लोग देखते हैं, मान लीजिए आप लोग घर पर बैठे हैं, आप लोगों को देखना है किसी पर्टिकुलर चीज की लोकेशन, तो ऑनलाइन बैठकर आप लोग जरा सी देर में सर्च कर लेते हैं गूगल मैप के थ्रू या फिर और भी कई सारी टेक्नोलॉजिकल जो टूल है आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। पर लेकिन अगर कोई कंपनी काम नहीं कर रही है, डूब रही है, उसको बचाना भी जरूरी है यहां पर, तो एक ऐसी कंपनी है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है जिसको बोलते हैं वन वेब, ठीक है। तो यहां पर यूके गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर एक तरीके का कंसोर्टियम देखने को मिल रहा है भारतीय एंटरप्राइज के साथ में, जिनके द्वारा बिड, यानी कि एक नहीं बोलते कि बिड लगाई गई है, बोली लगाई गई है, वो एक्वायर कर ली है एक बैंककरप्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी वन वेब की। वन वेब की जो यहां पर बैंककरप्ट सैटेलाइट यह कंपनी थी, उसके चलते यहां पर इनके हाथ में पावर आ गई है, अब यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो ओवरसीज आम है भारती ग्लोबल, ये इसके में इन्वेस्ट करने वाली है 500 मिलियन। तो ये जो ऐसा डेटा है, आप लोग से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कई बार डेटा भी पूछ ले जाता है, तो अगर उन एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक बार 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, तभी उस एग्जाम की तैयारी कीजिए, एक बार सिलेबस देख लीजिए, तो इससे पता रहेगा जब आप लोग कुछ पढ़ने बैठेंगे ना तो आप लोगों के माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ऐसे, उसमें तो आप लोग और अच्छे से उस चीज पर फोकस देकर पढ़ पाएंगे। तो ये बातें हमेशा याद रखिए। तो भारती जो ओवरसीज है यहां पर, उसकी जो भारती ग्लोबल की, उसके द्वारा यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। सिमिलर अमाउंट यूके गवर्नमेंट यहां पर करेगी और सिमिलर अमाउंट हमारी ये बेसिकली जो कंपनी है ये यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इसके चलते जो वन वेब है ग्लोबल जो कम्युनिकेशन कंपनी है, जो कि ग्रे वेलर के द्वारा यहां पर ये फंड की गई थी, इसको डूबने से बचाया जा सकेगा। कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन में है यूके, इसी के साथ में एमसी लर्नर वर्जीनिया और नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट की बात यहां पर की जा रही है। तो ये अलग अलग रीजन में इसके हेडक्वार्टर है, यानी कि लंदन में हो गया यूके के अंदर, और नेक्स्ट यहां पर ये एमसी लर्नर वर्जीनिया यूएसए के अंदर, तो लंदन और यूएसए के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। वन वेव जो है ये बेसिकली एक तरीके से हाई स्पीड लो लेटेंसी वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस, ये बिलियंस ऑफ लोगों को एक तरीके से इंटरनेट फैसिलिटी की प्रोवाइड कराने का भी काम करती है, खासकर गांव वाले एरिया में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक कई सारे सैटेलाइट का ग्रुप नहीं बोलते हैं, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में काम करता है ताकि इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। देखिए सारी चीजें आप लोग एक तरीके सर से उतरनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे यहां पर बोल दिया मैंने कॉन्स्टिलेशन, तो ये एक तरीके ग्रुप होता है, कई सारे जब सैटेलाइट होते हैं ना उनका एक ग्रुप होता है, तो वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं यहां पर। वन वेब जो है यहां पर ये एक तरीके से लॉन्च किया गया था, वन वेब सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन नेटवर्क यहां पर, ये 650 लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट है, कब 2019 के अंदर में, ठीक है, बाई मार्च 2020 में यहां पर फिर आगे चलकर काम किया गया कई सारे। तो आज के डेट में 74 के करीब यहां पर जो प्लान सैटेलाइट है वो बोला जा रहा है 648 के करीब। तो ये इनिशियल से ऐसे से चलते हैं, फिर आगे आगे जो सैटेलाइट बढ़ाते जाते हैं, तो क्योंकि आप लोगों को पता है कई सारे सैटेलाइट की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कई की 10 साल होती है, कई की 12 साल होती है, कई की 15 साल होती है। तो मान लीजिए एक सैटेलाइट आज लॉन्च किया, फिर दूसरा लॉन्च किया 5 साल के बाद में, फिर तीसरा लॉन्च किया 10 साल के बाद में, तो पहले वाले सैटेलाइट की एज खत्म हो जाएगी तब तक। तो इसलिए यहां पर चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। वन वेब जो है यहां पर ये बैंककरप्ट ये कंपनी हो रही है मार्च 2020 में, तो ये कैश क्रंच हो गया, इसके अंदर पैसे की कमी आ गई काफी ज्यादा, इसलिए यहां पर इसको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। सबसे पहले एक क्विज देखा, उसका आंसर आप लोगों ने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। इसी के साथ में अपना स्कोर भी जरूर लिखा होगा, जिससे आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आता है अच्छे से अगर आप लोग लेक्चर सुनते हैं। लेकिन लेक्चर सुनने का तभी मजा आता है जब वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं ना, उसका आंसर अगर आप लोग सही दे पाएंगे तो आप लोगों को अंदर से फील होगा कि हाँ यार कुछ नया सीख लिया है। तो इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर सुना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने क्या बात की, ये बात की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की ये स्पोर्ट मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि हम लोगों ने डिटेल में जाना किस तरीके से गेम के लिए हमारी कंट्री के जो एथलीट है उनको तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ में हम लोगों ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अवार्ड के बारे में। यहां पर ये बेसिकली जो माई गो कोरोना हेल्प डेस्क है उसको ये अवार्ड प्रोवाइड कराए गए, किसके लिए वो भी जाना। बटरफ्लाई के बारे में कुछ हम लोगों ने बात की, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की मत्स्य संपदा के बारे में, काफी डिटेल में आप लोगों को समझाया, कोई कंफ्यूजन आई होप कि अब नहीं होगा आप लोगों के माइंड में। इसी के साथ में ड्रग अप्रूवल के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की ये सैटेलाइट, ये बेसिकली हमारी कंट्री के द्वारा ये वन वेब जो है उसमें के उसको एक्वायर करने की बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब क्विज देखते हैं, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इसको सुना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है कैशलेस ट्रीटमेंट अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है, और ये मोटर व्हीकल एक्ट है ना 2019 का, उसके हिसाब से काम यहां पर किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहां पर ये इसको कब सेटअप किया गया था, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट यहां पर मिनिस्ट्री फॉर एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा आप लोग इनके मिनिस्ट्री भी बताते रहिए, क्योंकि डिस्कशन में मैंने आप लोगों को मिनिस्टर बताए हैं सारे, तो यहां पर कौन सा मिनिस्टर होगा, एनिमल हस्बेंड्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये भी आप लोग बताते रहिए। फर्स्ट एडिशन जो है यहां पर फिशरी एंड ये एक्वाकल्चर जो न्यूज़ लेटर है, तो ये इसका स्टार्ट किया गया, क्या नाम इसको दिया गया है, प्रधानमंत्री, यहां पर पूरा नाम आप लोगों को लिखना है, जिसको PMMSY बोला गया है, जो कि डिटेल में मैंने अभी डिस्कस किया। 20,050 करोड़ रुपए इन्वेस्ट यहां पर किए जाने हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि फॉरेन एंड इंडियन जो कोचेज हैं उनको यूज किया जाएगा हमारी कंट्री में, और कितना टाइम ड्यूरेशन इनके लिए रखा जाएगा ताकि जो ओलंपिक की साइकिल है वो कंप्लीट की जा सके। अगर आप लोग ओलंपिक की साइकिल जानते हैं कितने साल में ओलंपिक होते हैं, तो इसका आप लोग क्वेश्चन दे पाएंगे, तो ये कॉमन सेंस हो जाता है, इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को आंसर यहीं पर ही दे दिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि वो देखते हैं कितने अटेंटिव हैं आप लोग एग्जाम में। क्वेश्चन भी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं कि स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें ऑप्शन में उसका एक तरीके से आंसर दे रखा है, और आगे चल के फिर वो ऑप्शन है आगे क्वेश्चन बना दिया ले जाकर, तो ये आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो यहां से पता चलता है कितने सतर्क हैं आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि प्रेशर रहता है माइंड पर, तो ये चीजें छोटी छोटी आप लोग वहां पर नोट नहीं कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि बेस्ट अवार्ड यहां पर दिए गए दो कैटेगरी में, इनोवेशन फॉर COVID-19 सोसाइटी और पीपल चॉइस COVID-19 ओवरऑल विनर, ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। कोगेक्स कहां पर ये लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, जो कि अवार्ड की हम लोगों ने बात की। यूके गवर्नमेंट के द्वारा किसके साथ में मिलकर यहां पर वन वेब को बचाने की बात की जा रही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, थोड़ा सा लेंदी हो गया। मैंने आप लोग कल भी बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी कल, तो आज थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों ने चीजें डिस्कस कर ली। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कीजिएगा। लाइक और शेयर लेक्चर को तभी करना है अगर पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आता तो ना तो लाइक करना है ना ही शेयर करना है। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि जो चीजें खुद को फायदा नहीं पहुंचा रही है वो कभी भी शेयर नहीं करनी होती है। अगर लग रहा है कि फायदा पहुंचा रही है तो ही शेयर करनी है। बाकी यहां पर पीडीएफ सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो यहां पर सारी पीडीएफ एक जगह से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो यहां पर, वरना वैसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।